हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रसखान प्रेरणा गृह में 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही हरदोई जनपद के लिए 300 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी पर तंज भी कसा। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेंगे और 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे भी। विरोधी जो कभी मंदिर देख करके मुंह फेर लेते थे, हिंदू को देख करके मुंह फेर लेते थे, आज उनको जाना पड़ रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। हम किसी को जाने से नाराज नहीं है, हमें खुशी होती है कि श्री अखिलेश यादव जी को संगम में डुबकी लगानी पड़ रही है, हरिद्वार कुंभ में जाना पड़ रहा है, संतों के पांव छूने पड़ रहे हैं, राम भक्त कृष्ण भक्त बताना पड़ रहा है, कोई जनेऊधारी बताना पड़ रहा है। ये तो हमारी जीत है। भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें 2022 में फिर जीतने जा रही है, फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है और जनता का लगातार समर्थन और आशीर्वाद हमारे पास।